हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई थी एनपीसीआईएल द्वारा, वो है आपके स्टिपेंडी ट्रेनी ऑपरेटर मेंटेनर और फायर पर्सनल पोस्ट के लिए। और इसके लिए आप कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन 31 दिसंबर 2019 से। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो भी इसकी क्राइटेरिया है, जो भी एलडीटी कंडीशंस हैं, वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो 21 जनवरी 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपकी जो भी एलडीटी कंडीशंस हैं वो आप चेक कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लॉगिन एंड रजिस्टर का। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले जो है फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, आप इनको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट एनपीसीआईएल यूनिट और जो आपका यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड सेक्शन है, वो आपके सामने एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर आप ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके नीचे डिसिप्लिन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्टिपेंडी ट्रेनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से डिसिप्लिन है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डिसिप्लिन है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स, कैटेगरी ऑप्शन है, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है या फिर इसके अलावा आपकी ओबीसी है या एससी या एसटी है, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहां पर ऑप्शन होगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। यदि आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। क्रीमी लेयर का मतलब है जनरल की तरह आप यहाँ पर एक्ट करेंगे। इसके बाद एससी एसटी में कोई अदर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होता है। और आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो भी ईडब्ल्यूएस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि नहीं आते हैं, आप नो कर देंगे। और यदि आप इस सेक्शन में एलिजिबल हैं, आप यस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी जो पीडब्ल्यू कैटेगरी है और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपका यहाँ पर जो टाइटल है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप टाइटल जो भी सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो जेंडर है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ एंटर करना है आपका फर्स्ट नेम। अगर फ्रेंड्स आपके पास आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम भी है, आप वो एंटर करना चाहें कर सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा, या आपकी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो डेट ऑफ बर्थ सेक्शन है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। आपका आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है 12 डिजिट का, वो आप यहां पर फिल करेंगे। आपकी जो नेशनलिटी है, वो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन हैं, वो आपको यहाँ बताने होंगे। जैसे आप सर्विंग एम्प्लॉय हैं एनपीसीआईएल में, आप एक्स सर्विस मैन हैं, आप विडो या डिवोर्सी वूमन हैं, या फिर आप एनपीसीआईएल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका एक्टिवेट होता है, जो कि है आपके यूजर नेम का। तो आपको यहाँ पर एक यूजर नेम जनरेट करना है। अब जो यूजर नेम आप जनरेट करेंगे, वो 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर यूजर नेम कोई भी जनरेट कर लेना है, कम से कम 5 कैरेक्टर का। और उसके बाद यहाँ से जो उसकी अवेलेबिलिटी है, वो चेक कर लेनी है। यदि वो अवेलेबल है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताएगा कि यूजर नेम अवेलेबल है, आप इसको बना सकते हैं। यदि ये अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा यूजर नेम भी बना पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पासवर्ड जनरेट करना है। और पासवर्ड कैसा जनरेट करना है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ गाइडलाइन दी गई है कि पासवर्ड में एक अल्फाबेट, एक डिजिट, एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना होगा। 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में आपको ये पासवर्ड बनाना है। तो जो भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये पासवर्ड आप 2 बार यहाँ पर फिल करेंगे। 2 बार फिल करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एंटर करनी है आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही आपको एंटर करने होंगे, क्योंकि आगे की जो फर्दर प्रोसेस है, वो आपको इन पर ही मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है आपको एक कैप्चा कोड। तो आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये आप यहाँ पर एडिटेज फिल कर देंगे। और इसके बाद नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। रजिस्टर करने से पहले फ्रेंड्स, एक बार जो डिटेल्स आपने ये फिल की हैं, वो आप एक बार चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती है, तो आप उसको सही कर लें, नहीं तो आप यहाँ से इसको सीधे रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और आपकी जो भी मेल आईडी है, उस पर एक एक्टिवेशन लिंक गया होगा।
वो एक्टिवेशन लिंक फ्रेंड्स वहां पर क्लिक करना आपको जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप उस लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए आपने जो भी मेल आईडी से यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है उस मेल आईडी को आप ओपन करें, उसमें जो वहाँ पर लिंक आया है वो लिंक आप वहाँ से कॉपी आप कर सकते हैं, आप उससे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आप उसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके अकाउंट को आप एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्टिवेट करने के बाद आपको एक लॉगिन सेक्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी लॉगिन आईडी आपने बनाई है और उसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ से बनाया है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको लॉगिन आप कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप क्लोज करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपको SSC की डिटेल डालनी है और आपको ITI की डिटेल डालनी है, तो आपकी यहाँ पर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही डिटेल आपको यहाँ पर शो करती हैं और उसके आसपास ही आपको यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो आपको शो करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर डालेंगे आपके कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, पूरा स्कूल का नाम आपको देना है, आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको देना है, सेम आपको ITI में भी आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपका मोड ऑफ स्टडी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर है मंथ या ईयर ऑफ एनरोलमेंट और ये है आपके मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग। अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपके एडमिशन की स्लिप आपके पास पड़ी है तो उसमें आपको एनरोलमेंट या एडमिशन डेट आपको मिल जाएगी, यदि वो नहीं है या किसी कंडीशन में आपके पास नहीं है या आपको याद नहीं है तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जैसे सेलेक्ट कर लिया छठा महीना 2014 हमारा ईयर, अब यहाँ पर जो 10th है वो उसका जो ड्यूरेशन है वो एक साल का है मान लीजिए, तो एक साल पहले की डेट तो कम से कम 6 आपको महीना चूज करना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो ईयर है वो आपको 2013 चूज करना होगा कि आपने जो एडमिशन है वो एक साल पहले लिया है। आप चाहें तो इसको 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ करना चाहें उसकी ड्यूरेशन को आपको यहाँ पर याद रखना होगा। सेम मान लीजिए आपने जो ITI है ये आपने कंप्लीट की है मान लीजिए 7वें महीने में 2016 में, तो आपको फ्रेंड्स यहां पर भी कुछ इस तरह से ही डिटेल को लिखना होगा कि आपने इसको कब एडमिशन लिया है, वो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं जितने भी आपकी ड्यूरेशन है। इसके बाद यहाँ पर जो आपके परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपकी जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और इसके बाद जो आपकी ITI की मार्कशीट है उस पर जो रिजल्ट या फिर इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट जो डेट लिखी हुई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ईयर चूज करना है, इसके बाद आपको मंथ चूज करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डेट चूज करनी होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूछा गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10th लेवल इन मैथ सब्जेक्ट और इसके बाद पूछा गया है जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन SSC लेवल इन साइंस। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है परसेंटेज की एंट्री कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको यहाँ पर मिला हुआ है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे ये पूछता है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास SSC या HSC लेवल में है या नहीं है, आप यहाँ पर यस करेंगे। आपकी जो हाइट है और जो वेट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मिनिमम कम से कम इतना आपको लिखना होगा जितना आपसे यहाँ पर मांगा गया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर है कंप्यूटर लिटरेसी, तो कंप्यूटर के बारे में अगर आपकी क्या नॉलेज है वो आप बता सकते हैं, जैसे आपको MS Word चलाना आता है, Excel चलाना आता है, पावर पॉइंट भी आता है या फिर इंटरनेट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको आती हैं, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं जो जो में भी आपको नॉलेज है। यदि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अदर में उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है अदर क्वालिफिकेशन सेक्शन। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपके पास इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपके पास 12th क्लास आपने पास कर रखी है, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन में HSC लिख सकते हैं, स्पेस जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है वो आप लिख सकते हैं, आपके स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम लिख सकते हैं और उसके बाद जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं और यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का, जिसको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्री क्वालिफिकेशन मतलब आपकी क्वालिफिकेशन से पहले का एक्सपीरियंस और ये है आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप जिस भी में भी एंट्री करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन में मान लीजिए आप एंट्री करना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस की, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ पर आप काम करते थे, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस पोस्ट पर आप काम करते थे, क्या ड्यूटीज थी आपकी और कब से कब तक आपने काम किया है ये आप बता सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे या करते रहे हैं तो आप ऐड न्यू रो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आप यहां पर इनमें नो करके आप यहां से इसको सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का। तो सबसे पहले फ्रेंड से यहाँ पर आपको एंटर करना है आपका फादर नेम और आपका जो मदर नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, आपकी जो मदर टंग है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर सभी तरह की मदर टंग्स देखने को मिल जाती हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके डोमिनशियल का। तो आपका जो स्टेट है जहाँ के आप निवासी हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पूछता है कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं या नहीं है, मतलब रोजगार कार्यालय में आप रजिस्टर हैं या नहीं है। यदि फ्रेंड्स आप रजिस्टर हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम और वो स्टेट जहाँ से आप रजिस्टर हैं वो आपको बताना होगा। यदि रजिस्टर आप नहीं हैं या फिर आप नहीं देना चाहते हैं डिटेल्स को, आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस सेक्शन है, तो आपका देखिए जो भी पूरा एड्रेस है वो आप इस सेक्शन में लिखेंगे। आपको यहाँ पर 3 लाइन दी गई हैं अपना एड्रेस लिखने के लिए। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पर पिन कोड है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपका जो एड्रेस है वो आप इस सेक्शन में लिख देंगे। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है आप सेम एज पर क्लिक कीजिए, यदि अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। और उसके अलावा आपका कोई भी रिलेटिव एम्प्लॉई जो है वो काम करता है NPCIL में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, उसकी डिटेल दे सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर नो करके आगे सीधे इसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए, आप यहाँ पर जो डिटेल्स को दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ साइज बताया गया है कि 10 से 50 केबी के बीच आपको फोटो अपलोड करनी है। और आपकी जो सिग्नेचर है उसका जो साइज है वो मैक्सिमम 20 KB यहाँ पर रखा गया है। तो इसके रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। JPG इमेज में आपको ये अपलोड करने हैं और जो सैंपल्स हैं एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फोटोज के लिए वो भी आपको यहाँ दिया गया है कि कौन कौन सी फोटो आपकी एक्सेप्टेबल होंगी, वो आपको डिटेल यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आप इन चीज़ों को भी यहाँ पर चेक करके अपना यहाँ पर इनको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर सैंपल के तौर पर फोटो एंड साइन अपलोड करके दिखा दिए हैं। आप यहाँ पर फोटो एंड साइन का प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे ही आपके अपलोड होंगे यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली का, मतलब ये यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। और उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट स्टेप है या फिर लास्ट स्टेप है ये है आपके यहाँ पर आपके प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने अभी तक स्टार्टिंग टू एंड जितनी भी डिटेल यहाँ पर फिल की है उन सभी का प्रीव्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर सभी डिटेल को चेक कर लें, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप यहां पर इसको एडिट कर लें, क्योंकि एक बार आप यहां से इसको सबमिट कर देंगे उसके बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन या एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन पर। यदि आप वेरीफाई और सभी आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपने कोई भी गलती नहीं की है, उस कंडीशन में आप क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आप इसको ओके कर सकते हैं और आपको जो ये मेन पेज है इस पर ही प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है कैसे आप न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का स्टिपेंडी ट्रेनी या फिर फायरमैन का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।